वेलकम बैक टू माई चैनल निशा चौधरी। कैसे हो आपको? ऐसा करते सब कुछ होंगे मेरे घर में बहुत सारा शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि जस्सी घर में है तो बहुत सारा हल्ला मचा के रखा हुआ है। तो हमने बनाई थी छोटी सी अपनी रक्षाबंधन, और आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे हम। जिसके भाई अच्छे हैं उनके लिए तो दिल से शुक्रिया। और गाइस यहाँ पे हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी, और सबसे पहले मैं इसको निकाल देती हूँ, पानी का कल आया नहीं था, खत्म हो गया, और इसको निकालते हैं। और मेरे आचू भी भाई और झाड़ू पोछा करा मैंने, और उसके बाद मैंने मशीन लगाई, कुछ कपड़े धोए, और अभी मैं किचन में आई हूँ। तो किचन में थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं तो उन्हें हम बाद में साफ करेंगे, पहले खाने की तैयारी करते हैं और साथ के साथ बर्तन भी साफ करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूजा के भगवान वगैरह शब्द हुए थे, थोड़ा सा पानी पानी हो रहा है, उसको साफ कर लेते हैं। और
अच्छी बात है, अब लेके आ जाए अपनी सब्जी। सो गाइस मैं आपको एक चीज बताने लगी, मेरा ब्लाउज बहुत ढीला हो रहा है, इतना ढीला ब्लाउज हो गया है। पहले मैंने ये यूज करी थी, अब मुझे दोबारा से फिर से टाइट करने पड़ेंगे। चलते हैं सब्जी लेके आते हैं। सो गाइस हम बना रहे हैं आपको कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैंने हाँ हींग और मेथी ली है। तेल हमारा गर्म हो चुका था तो एक चम्मच हमने तेल ले लिया और इसी के साथ में ये हमारी हो चुकी है। इसके साथ में हम यहाँ पे दो प्याज और दो हरी मिर्च मैंने यहाँ पे पीस ली, इसको भी डाल देते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने जो है तेल बहुत ही कम यूज किया, बहुत ही कम धीरे से, बिल्कुल भी आपको मेरे कुकर में तेल नहीं नजर आ रहा होगा। कम तेल की सब्जी, मतलब जीरो ऑयल बोल रही हूँ मैं इसे। यहाँ पे मसाला गिर गया है जिसके निशान पड़ गए हैं और हम इसको डाल देंगे। देखो हमारा मसाला हो चुका है, दो टमाटर, ना ये सब्जी में मसाले ऐड करेंगे, तीनों मसाले की सब्जी बना रहे हैं। इसमें हम डालेंगे हल्दी एक चम्मच, लाल मिर्ची एक चम्मच और इसके साथ नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। तो ये सेंधा नमक है तो थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। ये हमारा मसाला हो गया मिक्स, बस इतने ही मसाले मुझे इसमें डालने हैं, इनको पकने देते हैं अच्छे से। तो गाइस मसाला हो चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ कद्दू। मेरे घर में चारों तरफ आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, कहीं पे आरो चल रहा है, कहीं पे वॉशिंग मशीन चल रही है और वॉशिंग मशीन हो चुकी है मेरी ख़राब। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, करीबन आधा गिलास पानी डालना है मैंने और तो गाइस हमारी वॉशिंग मशीन में पहले तो ये निकला, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो धोते हैं, और उसके बाद मेरा दुपट्टा इसके अंदर फंस गया है तो ये पूरा खोलना पड़ेगा। वैसे मोटर चल रहा है और ये इसके अंदर फंस चुका है, समझ नहीं आ रहा है फंसा कैसे है। चलो अच्छा है कि मेरा दुपट्टा फंसा है, कोई अच्छा कपड़ा नहीं फंसा, क्योंकि ये ज़्यादा महंगे सूट का दुपट्टा नहीं है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ पानी बंद और चला देते हैं ड्राई करने के लिए कपड़े। तो जो ड्राई वाला है वो मेरा अभी चल रहा है। तो यहाँ पे जैसी ने अपने खिलौने रख रखे हैं और मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया था, तो भी मेरा ध्यान वॉशिंग मशीन पे ज़्यादा था, इसलिए इसमें हम सीटी लगवा लेते हैं, तीन सीटी लगवाएंगे, बनके तैयार हो जाएगा। तो गाइस मुझे नहीं पता ये वाला मंथ हमारा कैसा जाएगा, और इस वाले मंथ में हमारे बहुत बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। कहीं आरो में दिक्कत हुई है, कुछ आरो का पानी अच्छा नहीं है तो पीने के लिए टैंक मंगा रहे हैं, और ये वॉशिंग मशीन भी गड़बड़ कर रही है, कभी कभी इन्वर्टर भी गड़बड़ कर रहा है। बाकी चल रहा है पर कुछ भी ना कुछ उसमें भी हुआ है, और बड़े बड़े और छोटे छोटे इतने नुकसान हो रहे हैं ना इस मंथ में, आपको क्या बताऊँ। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हाँ भी नुकसान के साथ साथ ना तीन हैं हम, तीनों के तीनों बीमार हैं, मतलब तीनों को कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी किसी को डॉक्टर के लगवा दी, मतलब डेढ़ महीने से मैं डॉक्टर पे चक्कर काट रही हूँ। तो गाइस पता नहीं ऐसे ग्रह चले गए ना ये इस मंथ, और आज की तारीख है इस मंथ में एक महीना और है, वो एक दिन और है इस महीने का, और जो कि हमें बहुत भारी दिख रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो
पता नहीं आपके घर में कभी भी ऐसे होते हैं, क्योंकि छोटे से लेके बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं। हैंड ग्राइंडर मेरा रखा रखा खराब हो गया, मतलब चीजें मैंने अच्छी रख रखी है और रखी रखी वो चल नहीं रही है, तो कई सारे नुकसान ऐसे हुए। कैटल है, कैटल रखा रखा खराब हो गया, तो समझ नहीं आ रहा मतलब क्या हो रहा है, रखी रखी चीज़ें खराब होने लग रही हैं। और खैर दुख सुख आते रहते हैं, इंसान को खुश रहना चाहिए, अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जीना चाहिए। दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, पैसा हाथ का मैल होता है, ये भी आता है और जाता है। तो ज़्यादा पैसे का घमंड करने वाले को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो इंसान की इज्जत नहीं कर सकते ना, वो पैसे की पैसा हो जाता है ना इंसान के पास, तो इंसानों की इज्जत नहीं करता, बस ये सोचता है कि मेरे को और दुनिया में कोई नहीं। तो आप गलत फहमी में जी रहे हो, आपकी इज्जत ना कहीं नहीं है, सिर्फ आपकी इज्जत आप तक है, बाहर तक नहीं, सिर्फ आप तक। सो गाइस, मैं तो ऐसी हूँ सीधी साधी बिंदास रहने वाली लड़की, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे लिए क्या बोलता है, कोई मेरे लिए क्या करता है, कोई मेरे लिए क्या करता है, बस एक चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ता है कि कोई मेरी ऊपर जो मेरी कैरेक्टर पे उंगली उठा लेना, तो मेरी अंतरात्मा जाग जाती है। तो मेरा मन करता है कि मैं इसका, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसका अच्छे से मुँह धोऊँ, मतलब मुँह को पीट पीट के टुकटा खींच के घर से बाहर निकाल के रोड पे गिर से अच्छे से धो, मेरा ऐसा मन करता है उस बंदे से। क्योंकि जो बंदा खुद गलत होता है ना, तो वो दूसरों पे उंगलियाँ उठाता है, जो बंदा खुद सही होता है ना, वो कभी किसी पे ऐसी उंगली नहीं उठाएगा। और तुम्हारे ना, जो तुम लोग किसी पे उंगलियाँ उठाते हैं ना, तुम्हारे संस्कार पता चलते हैं, तुम्हारे परिवार के संस्कार, क्या तुम्हारे परिवार में संस्कार होंगे और क्या तुम में, क्या तुम में होंगे, तुम्हारी रियलिटी पता चलती है कि आप किस उसमें पले हो। आप पढ़े लिखे की बात करते हो, पढ़े लिखे हैं अकल में नहीं है, अकल तो आप लोगों को भी नहीं है, किसी को कुछ भी बोल देते हो जो मन में आता है वो बोल देते हो। पहेली यदि कोई पहेली भी बुझाए ना, नहीं बुझा सकते, नहीं बुझा सकते। सो गाइस, हमने बनाया है कद्दू, अब हम बनाएंगे आटा, इसके बाद हम करेंगे बर्तन साफ, और फिर बनाएंगे हम चाय, फिर काटेंगे सलाद। सो हम लगा इस फ्लैटों में रहते हैं, तो फ्लैटों में ना इधर उधर की आवाज़ें आती रहती हैं, नीचे से बर्तन साफ हो रहे हैं उसकी आवाज़ आ रही है, इधर वॉशिंग मशीन आर ओ, हमें आर ओ में बंद कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आर ओ ना हम खाने बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी पीने के लिए हम ये पानी ले रहे हैं। आर ओ भी ठीक होगा, वॉशिंग मशीन भी ठीक होगी, और हैंड ग्राइंडर में दे के आई हूँ, और कैटल की बात करके आई थी, तो कैटल भी ठीक हो जाएगा, उन्होंने ऐसे बोला है कि कैटल आपका ठीक हो जाएगा, तो मेरी साड़ी गंदी ना हो इसलिए मैं यहाँ पे ये बांध लेती हूँ। मुझे मतलब लोग एप्रन ले आते हैं, बांधते नहीं है, पहनते नहीं है, मतलब तो मेरी आदत है कि मैं बर्तन साफ कर रही हूँ तो इसको जरूर पहनूंगी, और जो मैं खाना बना रही तब भी इसको जरूर पहनूँ, क्योंकि ये कपड़े ख़राब नहीं करती, इससे ना कभी कपड़े ख़राब नहीं होते। आप जैसी ड्रेस पहनी है ना सुबह में, आप शाम तक वैसी ड्रेस आएंगे, जब यहाँ पे बर्तन साफ करते हैं ना, तो यहाँ से पेट पैसे सारे गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मेरे कपड़े को भी ख़राब होने की जरूरत है। तो चलते हैं गाइस, मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, कद्दू हमारा बन चुका है, अब इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच शक्कर, आप चाहें तो चीनी ऐड कर सकते हैं। अब गैस हम कर देंगे ऑन, और इधर पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने बनाया कद्दू, और इसमें डाल रहे हैं धनिया, इसको कर देंगे मिक्स। तो हमारी सब्जी बनकर तैयार है, अब निकालते हैं इसे कटोरी में। सो गाइस, हमारी थाली लग चुकी है, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।